Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सामिन मोहतरम, आज पहली मरतबा आपके शहर कैंपुर रामवाली में रजुमा एहसान पाकिस्तान तहसील कैंपुर रामवाली के जरिए तमाम इस खूबसूरत महफिल में हाजिर हो रही है। दुआ है मेरा रब्बुल इज्जत हम सब का यहाँ पर मिलकर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपका सुनना मेरा सुनाना महफिल सजाने वालों का महफिल सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मोहतरम अजीज़म मौलाना मुफ्ती सैयद रिजवान शाह साहब दामोदर को और उनकी पूरी टीम को जिनने ये खूबसूरत महफिल सजाई। दुआ है अल्लाह पाक इनको मज़ीद इस्तक़ामत अता फरमाए और अल्लाह पाक इनको इस महफिल का पूरा पूरा अजर नसीब फरमाए। मैं देख रहा था बड़े प्यारे अंदाज में आपको तिलावत एक नामे पाक भी सुनाई जा रही थी और खूबसूरत सनातान रसूल अपनी अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। आपकी थोड़ी सी बेदारी चाहूँगा, लगे कि आप लोग वाकई में जाकर समात फरमा रहे हैं। एक मरतबा ज़रा महफिल का माहौल बनाएं और मेरी आका की मोहब्बत में ज़रा गूंज के कहीं सुभान अल्लाह। जितना मजमा है उतनी आवाज़ तो आनी चाहिए। थोड़ी सी आप थकावट को उतारें, दायां हाथ बुलंद करें मेरे आका की मोहब्बत में, ज़रा गूंज के कहें ना सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से कह दें सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक खूबसूरत रुबाई से ही आगाज़ कर रहा हूँ। स्टेज पर उलमाए कराम और अहले दिल अहले ज़ौक हज़रात की नज़र ये शेर करने जा रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। लिखते हैं शायर, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ऐसे दरवे हमारा शजरा, अरे जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, ऐसे दरवे से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। एक खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। बड़े प्यारे अशआर हैं और बिल्कुल नया कलाम है, उसके चंद अशआर समाअत फरमाएं। पहला जुमला आप समाअत करेंगे,
और इसका जब दूसरा जुमला आएगा इंशाल्लाह आपका दिल बोलेगा सुबहान अल्लाह। शायर कैसी खूबसूरत तखय्युल में जाता है और ये शेर निकालता है, लिखता है शायर, सुनिएगा। किले कर गए थे कल्ब में, शेर सुनिएगा। किले कर गए थे कल्ब में, ले कर गए थे कल्ब में, ले कर गए थे कल्ब में, नफरत रसूल की ले कर गए थे कल्ब में, ले कर गए थे कल्ब में, नफरत रसूल की ले कर गए थे कल्ब में, ले कर गए थे कल्ब में, नफरत रसूल की ले कर गए थे कल्ब में, नफरत रसूल की। लौटे उमर लिए हुए, लौटे उमर लिए हुए, चाहत रसूल की, माइक वॉल्यूम। ये शेर, ये शेर मैंने थोड़ा सा आपको जगाने के लिए पढ़ा, आगाज इस कलाम से इसीलिए किया कि थोड़ा सा आप जाग जाएं। अब आपकी तवज्जो पूरी यहां तक पहुंच गई मुझ तक। अब दोबारा पढ़ता हूं, जब शेर पूरा हो तो मुझे लगे कि सच्चे सुनियों ने सुना है और सुनने का हक अदा किया है, चाहे कोई बैठा है चाहे कोई खड़ा है। जब बात मुकम्मल होगी हाथ बुलंद होगा और सुभान अल्लाह की सदा आएगी, आएगी इंशाल्लाह। क्या लिखते हैं शायर? के ले कर गए थे कल्ब में नफरत रसूल की, ले कर गए थे कल्ब में, ले कर गए थे कल्ब में, नफरत रसूल की। लौटे उमर लिए हुए, चाहत रसूल की, लौटे उमर लिए हुए, चाहत रसूल की, ले कर गए थे कल्ब में। हैरान रह गया था अबू जहल देख के, हैरान रह गया था अबू जहल देख के, कब कब जब कंकरों ने दी है, जब कंकरों ने दी है शहादत रसूल की, जब कंकरों ने दी है शहादत रसूल की, ले कर गए थे कल्ब में। सहरा की तपती रेत पर खींचे गए बिलाल, 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 निकली न फिर भी दिल से, निकली न फिर भी दिल से मोहब्बत रसूल की, निकली न फिर भी दिल से मोहब्बत रसूल की, ले कर गए थे कल्ब में। अब आ गया वो शेर जिसके लिए मैंने आपको पूरा कलाम सुनाया, कि ऐलान हो चुका है ये कुरान में दोस्तों, ऐलान
हो चुका है ये कुरान दोस्तों, ऐलान हो चुका है ये कुरान दोस्तों। जन्नत में पहले जाएगी, जन्नत में पहले जाएगी, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की, जन्नत में पहले जाए। जिसको शेर समझ आया हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। के जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की, लेकर गए थे कल्ब में, लेकर गए थे कल्ब में नफरत रसूल की, लौटे उमर लिए हुए चाहत रसूल की। जिनका ईमान ताजा हुआ बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह।